कराची में पुलिस अफसरान की डकैती की वारदात पर निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज कहते हैं कि जराइम में जो भी मुलविस होगा उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पुलिस अफसरान वाकई के बगैर किसी प्रेशर के इंक्वायरी कर रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर बिना तफरीक और फेयर ट्रायल करके आप सजा देते हैं, दैट इज मच बेटर। यही आपने देखा होगा, हमारे आईजी पुलिस इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज प्रोफेशनली वेरी अपडेट ऑफिसर। उन्होंने बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया, उन्होंने इस ऑफिसर को अंडर ट्रेनिंग डीएसपी को अरेस्ट कर लिया, एफआईआर काट दी। इसके बाद साथ ही साथ आई एम श्योर इससे ज्यादा भी इसके खिलाफ एक्शन होगा, जो डिपार्टमेंटल एक्शन आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर, और उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी होगी, जो वो सजा उसको अलहदा मिलेगी। एक तो ये, सेकेंड ये कि टाइम पे की गई है, अगर 19 को इंसिडेंट हुआ है, 20 को पता चला है, ऑर्डर में 21 को इंक्वायरी हुई, फाइनल हुई और आईजी पुलिस ने खिलाफ एक्शन ले लिया। आप इससे देखेंगे ये कितनी अच्छी कारकर्दगी, बिकॉज आई हैव वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन के इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए आप इमीडिएटली इंक्वायरी करें, फाइंड हु इज द कल्प्रिट। आपके सामने एसएसपी को भी, उनको भी अगर देखा हो तो उसको भी सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ भी कानून कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, इससे बाकी लोगों को एक मैसेज चला जाता है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। आप कानून को, ईमानदारी को, जो अगर इसमें गफलत करते हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और यही हमने किया, और कहीं भी इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, सेव नहीं किया, और बिल्कुल आवाम के साथ है। उनको पूरा जो नुकसान था वो भी पूरा तकरीबन कर दिया गया, उचित कर दिया गया, और जो वायलेशन हुई हर चीज के एक इसका हल निकाला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।